मेरा एक और सवाल था कि मैं अपने घर वालों को दावत कैसे दूं। मतलब मैंने बताया ना कि जैसे पूरा फातिया नियाज ये सब का माहौल है घर में मेरे, तो मैं कैसे चालू करूं? देखिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने घर वालों को अपने तरीके से समझा सकती हैं कि दीन किसको कहा जाता है, शरीयत किसको कहा जाता है। दीन और शरीयत वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, और दीन और शरीयत ये मुकम्मल हो चुकी है। शरीयत इस्लामिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए ही मुकम्मल हो चुकी है, और मुकम्मल होने का मतलब ये है कि उसमें ना तो किसी घटाने की गुंजाइश है और ना तो कुछ बढ़ाने की गुंजाइश है। तो कोई भी काम जो हम बतौर इबादत करना चाहें, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है, क्या सहाबे किराम ने इसको किया है, क्या इस पर किताबो सुन्नत से कोई दलील है। तो आप अपने वालिदैन को समझाइए कि ये जो फातिहा दरूद और ये बहुत सारे खुराफात हैं, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की जिंदगी में तलाशिए, क्या कोई ऐसी चीज मिलती है? अगर वो चीज नहीं मिलती है तो वो चीज दीन कैसे हो सकती है? अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल फरमाई कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। और मुकम्मल का मतलब क्या होता है? क्या मुकम्मल चीज के अंदर किसी चीज का इजाफा करना ही मुमकिन है? नहीं। अगर आप किसी ऐसी चीज का इजाफा कर रहे हैं जो दीन के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत को आप झुठला रहे हैं, आप दीन को मुकम्मल नहीं मान रहे हैं। क्या आप अपनी जानिब से किसी इबादत का जो इजाफा कर रहे हैं, क्या आप यह समझ रहे हैं कि दीन के अंदर ये नक्स है और आप पूरा कर रहे हैं उस नक्स को? तो एक जो बिदाती होता है, बिदात वाले आमाल दीन के अंदर इजाफा करता है, दरअसल वो ये साबित कर रहा होता है अपने अमल से कि दीन मुकम्मल नहीं है, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम से ज्यादा समझने वाले हैं। भाई, कोई मुसलमान आदमी उसकी गैरत, दीनी गैरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि दीन के मामलात में अपनी तरफ से वो कुछ इजाफा करे और ये साबित करने की कोशिश करे कि दीन अभी तक मुकम्मल नहीं है। गोया कि कयामत तक हर आदमी को अख्तियार है कि आए और अपनी मर्जी से जो चाहे इजाफा करता रहे। तो आप अपने वालिदैन को इस उसलूब में समझाइए, उन्हें बताइए कि हमारा दीन ये मुकम्मल हो चुका है, और मुकम्मल होने का मतलब ये है कि इसके सारे उसूल, सारे अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद रहते हुए सारे अहकाम आ चुके हैं, अब हमें इसमें अपनी तरफ से इजाफा करने की इजाजत नहीं है। और बाकी हर आदमी बेहतर जानता है कि वो जिस माहौल में है उस माहौल में दावत का कौन सा उसलूब, कौन सा अंदाज ज्यादा मुफीद होगा, आदमी हालात को देखते हुए फैसला करता है। जी बहन, उम्मीद है कि आप इस सवाल के जवाब हो गया होगा। आप उनसे कोशिश करें कि आप घर करें कि हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा तरीके कार क्या होना चाहिए? क्या हम अल्लाह के रसूल से अगर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो फिर उनसे आप दूसरा सवाल आप ये कर सकते हैं कि ये जो हम काम करते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? अगर ये दीन होता तो क्या सहाबा इकराम इसको नहीं करते? क्या सहाबा इकराम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हमसे ज्यादा नहीं थे? ये सारी चीजें आप अपने तरीके से आप समझाने की कोशिश करें। और शेख ने दीन का दीन मुकम्मल हुआ है और इस बारे में वजाहत की है आपके सामने, फिर आप उनको इस पॉइंट पे ला करके रख सकते हैं कि जब इस्लाम मुकम्मल हो गया है तो आप उसमें इजाफा की कैसे गुंजाइश हो सकती है। तो आजकल जो लोग कर रहे हैं ये बहुत पहले की चीज नहीं है बल्कि बाद की पैदावार है, तो ये दीन कैसे हो सकता है? तो बहरहाल आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।